हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेगमपुर गांव में एक शेखर नाम का आदमी आता है, जो कि कलेक्टर ऑफिस से आया होता है। शेखर जब गांव में पहुंचता है तो देखता है गांव के बीच एक रेखा खींची हुई है और गांव का कोई भी आदमी उस रेखा को पार ही नहीं करता था। तभी वहां से एक बुढ़िया अपने सर पर पानी का घड़ा लिए गुजर रही होती है। शेखर उसे रोकता है। अम्मा, मुझे सरपंच सज्जन सिंह के यहाँ जाना था, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? अब पूछो, क्या पूछना है? पहले आप ये बताइए कि आपने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ भला क्यों खींचा? क्योंकि तुम्हें जिससे मिलना है वो आदमी हमारी तरफ का है और तुम गांव के दूसरी तरफ खड़े थे। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी, मैं चाहे किसी भी जगह पर खड़ा रहूं, अरे गांव तो एक ही है ना। नहीं, इस गांव का बंटवारा हो चुका है। ये गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा हमारे वर्तमान के मुखिया सज्जन सिंह का है और आधा गांव हमारे भूतपूर्व मुखिया केशव सिंह का है। क्या कहा, इस गांव का बंटवारा हो चुका है? हाँ बेटा, इस गांव का बंटवारा हो चुका है। इस गांव के लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। आप इसी रास्ते सीधे चले जाओ, सामने एक बड़ा सा घर दिखाई देगा, वही सज्जन सिंह का घर है। थोड़ी देर बाद शेखर सज्जन सिंह के घर पहुंचता है और देखता है कि वो अपनी पत्नी रमा के साथ बैठा चाय पी रहा होता है। क्या आप ही सज्जन सिंह हैं, इस गांव के मुखिया? जी हाँ, मैं हूँ इस गांव का मुखिया। बताइए क्या काम है आपको? जी वो आप लोगों ने बहुत समय पहले इस गांव में पानी की टंकी लगाने की अपील करी थी, सरकार ने उसके लिए मंजूरी दे दी है। मुझे बस कुछ पेपर्स तैयार करके दिल्ली भिजवाने होंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आखिरकार हमारी मेहनत रंग ही लाई। अब हमारे गांव में पानी की कमी कभी नहीं होगी, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आप एक काम करिए, केशव सिंह को भी बुला लीजिए, वो भी एक बार पेपर पर साइन कर देंगे, फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। देखिए, केशव सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, आपको जो काम करवाना है, जहाँ साइन लेना है, हमसे ले लीजिए और काम शुरू करवाइए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार में से कोई होगा, अरे उनको बुला लीजिए, क्योंकि जब तक उनके घर का कोई मेंबर इस पेपर पर साइन नहीं करता, मैं किसी काम को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। शेखर गांव का ब्यौरा लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गांव में पानी की टंकी बनने वाली बात केशव सिंह की पत्नी हीरा देवी के कानों तक पहुंच जाती है और वो शेखर से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। आप हैं कौन और ऐसे कैसे मेरे ऑफिस में घुस आई आप? शांत हो जाइए, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तभी आप मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आप कोई भी हो लेकिन किसी सरकारी ऑफिस में नहीं घुस सकती हैं, वो भी बिना इजाजत के। आप पहले शांति से मेरी बात सुनिए, मेरा नाम हीरा देवी है, मैं केशव सिंह की पत्नी हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ पानी की टंकी बनवाने वाले हैं। अच्छा तो आप हैं हीरा देवी, आपने जो सुना है सही सुना है, जल्दी से इन कुछ पेपर्स पर साइन कर दीजिए ताकि मैं फिर सज्जन सिंह जी से भी साइन करवा के आप लोगों के लिए ये काम शुरू करवा सकूं। आपको सज्जन सिंह की साइन की कोई जरूरत नहीं है, मेरी साइन ले लीजिए और काम आगे बढ़ाइए। साथ ही पानी की टंकी हमारी तरफ बननी चाहिए ताकि गांव वालों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। वो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि एक पानी की टंकी से पूरे गांव में पानी दिया जा सकता है। नहीं, उसका पानी तो सिर्फ हमारे हिस्से में आना चाहिए। आप इतने दिनों से इस गांव में हैं, आपको पता नहीं चला कि इस गांव का बंटवारा हो चुका है? अरे आपकी तरफ की जमीन अच्छी नहीं है, पानी की टंकी तो सज्जन सिंह की तरफ ही बनेगी क्योंकि उस तरफ नदी का भी बहाव है। होगा वही जो मैं चाहूंगी। हीरा देवी वहां से चली जाती है और शेखर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। दिन गुजरते हैं लेकिन गांव के बंटवारे के कारण गांव वालों का ही नुकसान होता है, जिसकी वजह से गांव वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
एक दिन अचानक से एक मजदूर काम करते करते खेतों में बेहोश हो जाता है। तभी शेखर उसके पास आता है और वहां खड़े लोगों से उसे अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगता है। साहब, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे गांव में है। ये कैसे हो सकता है कि पूरे गांव में कहीं भी एक हॉस्पिटल ना हो? साहब, गांव में हॉस्पिटल है लेकिन हमारे हिस्से में नहीं है, हीरा देवी के हिस्से में है। और अगर हमारे गांव का कोई आदमी उधर गया तो दोबारा कभी अपने इस तरफ आकर अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकता। अरे तो फिर तुम लोग बीमार होने पर इलाज करवाने कहां जाते हो? दूसरे गांव साहब। अरे यार, हद है तुम लोगों की भी। गांव में हॉस्पिटल होने के बाद भी सिर्फ दो लोगों की दुश्मनी और मनमानी के कारण आप लोगों को इतना सब कुछ सहना पड़ता है। अरे आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सभी लोगों को अपनी जान प्यारी है साहब। मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इस आदमी का इलाज इस गांव के हॉस्पिटल में ही होगा। मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है। शेखर उस आदमी को उठाकर हीरा देवी के हिस्से में आने वाले अस्पताल में लेकर जाता है और उसका इलाज करवा के वापस लौट रहा होता है। तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी अपने अपने हिस्से में खड़े दिखाई देते हैं। शेखर जी, आप यहाँ सरकारी काम से आए हैं, वही करिए। गांव के मामलों में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हिस्से के आदमी को इस हीरा देवी के हिस्से में ले जाने की? मैंने वही किया जो इंसानियत के नाते ठीक था, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध कर नहीं रह सकता हूँ। शेखर वहां से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं और परेशानियां बढ़ती जाती है। एक दिन अचानक से हीरा देवी के हिस्से की लाइट चली जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो सज्जन सिंह के हिस्से में था, जहां पर सज्जन सिंह की इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता था। इस सब के चलते पूरा गांव पूरी रात बिना लाइट के बिता देता है, जिसे देखकर शेखर गांव वालों से कहता है, अरे आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो इन लोगों ने गांव को दो हिस्सों में बांट दिया है? अरे जिसकी वजह से जरूरत की चीजें आ नहीं सकती और जो चीजें गांव में है उसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शेखर की बात सुनकर वही बुढ़िया आगे आती है जो उससे पहली बार मिली थी और उसे सारी बातें बताती है कि शेखर सिंह ने गलत फहमी में आकर हीरा देवी के पति को मार डाला था, जिसके चलते दोनों के बीच में ये दीवार खड़ी हो गई, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सुकून का जीवन बिताएं तो आप सभी लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर शेखर वहां से लौट आता है और कुछ देर बाद अपना सारा सामान पैक करके शहर वापस चला जाता है और पानी की टंकी का काम बीच में ही रुक जाता है। गांव के बंटवारे के चलते सभी गांव वालों का जीना हराम हो जाता है। धीरे धीरे कुएं का पानी भी सूखने लगा था। तभी एक दिन गांव के लोग अपने अपने हिस्से में खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी वहां आते हैं और अपने अपने हिस्से के लोगों को एक दूसरे से बात करता देख गुस्सा हो जाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे दुश्मनों से बात करने की? तुम सभी लोगों को इसकी सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी, जिसके बाद दोबारा तुम लोग अपने दुश्मनों से बात करने से पहले 100 बार सोचोगे। दोनों की ये बातें सुनकर बुढ़िया गुस्से में बोलती है, जब से आप लोगों की दुश्मनी हुई है तब से हम सभी गांव वाले सजा ही तो काट रहे हैं। कभी गांव का बंटवारा सहकर तो कभी अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरे गांव से भीख मांगकर। आप लोगों ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक पानी की टंकी के लिए आप लोगों ने इतना तमाशा कर दिया कि वो सरकारी अफसर भाग गया। अब हमें पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। बुढ़िया को बोलता देख सभी गांव वाले हिम्मत करते हैं और उसका साथ देते हुए सब अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने लग जाते हैं और ये सब देखकर उन दोनों को अपना दबदबा कम होता हुआ दिखता है और दोनों आपस में राय मशवरा करके शहर जाते हैं, जहां पर वह शेखर से टंकी दोबारा बनवाने की बात करते हैं। अब गांव वालों को सुकून की सांस मिलती है और उस दिन के बाद से वो सिर्फ गांव के हित के बारे में ही फैसला लेते हैं, वो भी साथ मिलकर।
रानी अपने पति रौनित के साथ साथ अपनी ननद बनिष्का और देवर कार्तिक के साथ रहा करती थी। रानी संस्कारी होने के साथ साथ बहुत गुणी भी थी। रौनित लगातार काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था, पर रानी ने अपने पूरे घर को काफी अच्छे से जोड़ कर रखा हुआ था। वो अपने देवर और ननद को बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करती थी, इसलिए कार्तिक और वनिष्का अपनी भाभी से बहुत खुश रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी कार्तिक अपनी भाभी से कहता है, भाभी आज खाने में क्या बन रहा है? हाँ भाभी, एक तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऊपर से बहुत भूख भी लग रही है, इसलिए जल्दी बताओ ना क्या बना रही हो आज। अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो तुम दोनों की ही छुट्टी है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाया जाए। पर है क्या? मैंने तुम दोनों के लिए ग्रेवी मंचूरियन और नूडल बनाए हैं। भाभी आपको चाइनीज भी बनाना आता है, मुझे ये नहीं पता था। हाँ भाभी, ये मोटा बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा छोड़ो इन सबको, जल्दी से दे दो, मुझे बाहर जाना है। आज तुझे कहाँ जाना है? आज तो संडे है और संडे को कॉलेज तो बंद होता है, इसीलिए तुझे कॉलेज भी नहीं जाना है। तो तू कहाँ जा रही है? कॉलेज को छोड़कर मेरी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ है, जिसे मुझे टाइम देना पड़ता है। भाभी जल्दी से दो ना, भूख लगी है मुझे। अरे बाबा ला रही हूँ। थोड़ी देर बाद रानी उन दोनों को ग्रेवी मंचूरियन और नूडल्स परोसती है। वनिष्का अपनी प्लेट जल्दी से खत्म करके जाने लगती है, तभी रानी वनिष्का से कहती है, वनिष्का आज तो ऑफ है ना, तो तुम कहाँ जा रही हो? भाभी एक दोस्त है, उसकी पार्टी में जा रही हूँ मैं, जल्दी आ जाऊंगी। दोस्त तो बहाना है, बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, वरना मैंने अपना मुंह खोला ना तो तू समझ ले। और रही बॉयफ्रेंड की बात, तो शायद मेरी किस्मत में यह है ही नहीं। होगा तो तू पिटेगी नहीं? अच्छा तू करे तो रासलीला, और मैं करूँ तो मुझे मारेगा तू? हाथ लगाकर तो देख, मैं तेरा मुँह ना तोड़ दूँ। अरे बाबा क्या हो रहा है, बस करो। वनिष्का तुम अपने दोस्त के पास जाना है ना तुम्हें, तो जाओ, लेकिन समय से आ जाना। कार्तिक तुम अपनी प्लेट फिनिश करो, चलो। रानी उन दोनों की लड़ाई सुलझा देती है और अब वनिष्का भी अपने दोस्त के पास चली जाती है। अगले कुछ घंटों बाद वनिष्का अपने घर आती है। वनिष्का बहुत खुश होती है, उसको इतना खुश देखकर रानी उसके पास आती है और उससे कहती है, वनिष्का क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम, क्या बात है? भाभी सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। पता है आज मेरा दोस्त है ना, उसने मुझसे बहुत प्यार से बातें की, इतने प्यार से तो उसने आज तक कभी मुझसे बातें नहीं की। वैसे वनिष्का मेरे मन में भी एक डाउट है, तुम्हारा जो ये दोस्त है, देखने से वो सिर्फ दोस्त तो नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो तुम्हारा कुछ और ही लग रहा है। नहीं नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हो तुम, वो मेरा दोस्त ही है। पर भाभी मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, उसका नाम मोहित है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मोहित भी मुझे पसंद करता है, पर हम दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज करने से डरते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। अरे वनिष्का तुम चिंता मत करो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा मोहित खड़ा है, तुम उसको बेहद पसंद करती हो और आज तुम्हें उसे प्रपोज करना है, चलो अब शुरू हो जाओ। हाँ भाभी ये सही रहेगा, तो भाभी मैं शुरू करती हूँ। मोहित मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। क्या भाभी आपको पता है ना मैं कितनी हेजिटेट हो रही हूँ, और एक आप है कि आप मुझे समझ ही नहीं रही। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, अब अगर तुम मोहित को ऐसे बोलोगी तो वो तुमसे इम्प्रेस थोड़ी ना होगा, और मोहित ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं होगा। अरे अच्छे से करो थोड़ा, ये कैसे कर रही हो? अच्छा मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। मोहित मैं तुम्हें काफी समय से चाहती हूँ, एंड मुझे नहीं पता तुम्हें कब से प्यार कर रही हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे प्रपोजल है, पर फिर भी मैं तुमसे एक बात कहूँगी। वनिष्का प्रैक्टिस कर ही रही थी, तभी कार्तिक वहाँ आ जाता है और वनिष्का को अपनी भाभी का इस तरह हाथ पकड़ बातें करता देखकर वो गेट पर ही खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम इन भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान खो दो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा के लिए देना चाहती हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। भैया माने ना माने, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। I love you too baby। ये क्या हो रहा है मेरे घर में, ननंद भाभी को आई लव यू बोल रही है तो वही भाभी अपनी ननंद को आई लव यू टू बोल रही है। जो भी है इनका रिश्ता सही नहीं है, मैं भैया को बताऊंगा इस बारे में। अरे ऐसा नहीं हो सकता।
कार्तिक उन दोनों की आधी अधूरी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगता है। कार्तिक को पूरी रात नींद नहीं आती और अब वो अपने भाई रोनित को फोन करता है और उससे कहता है, हेलो भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो कार्तिक, क्या हुआ, क्या बात करनी है तुम्हें? भैया अपने घर में कुछ अजीब हो रहा है। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही अजीब और गलत हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बस घर आ जाओ। हाँ कार्तिक मैं घर आ जाऊंगा, पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है। भैया आप बस जल्दी आ जाओ, जब आप यहाँ आओगे तो आपको तभी बताऊंगा। रोनित अपनी बातें पूरी कर फोन कट कर देता है, जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह रानी कार्तिक को नाश्ता देती है, तब कार्तिक गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे हाथों का नाश्ता नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा पर तुम्हारे हाथों का नहीं खाऊंगा। कार्तिक पर हुआ क्या है, तुम अचानक ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो। जैसे नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ रानी। कार्तिक तू पागल हो गया है, भाभी से कैसे बात कर रहा है, चल भाभी को सॉरी बोल। मैं सिर्फ तेरी भाभी से ही नहीं बल्कि तुझसे भी नफरत करता हूँ। अरे मुझे तो तुझे अपनी बहन और इस औरत को अपनी भाभी बोलने में भी शर्म आ रही है। कार्तिक ये सब बोल ही रहा था तभी वहाँ पर रोनित आ जाता है और अपने भाई से कहता है, क्यों कार्तिक तुम्हें इन दोनों को अपनी बहन और भाभी बोलने में क्यों शर्म आ रही है? भैया आप आ गए, आपको पता है मैं आपका कितना इंतजार कर रहा था। हाँ कार्तिक मैं आ गया, बताओ क्या बात है। भैया ये दोनों बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको पता है इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। क्या बोले जा रहे हो कार्तिक तुम, तुम्हें पता भी है तुम अपनी भाभी और बहन के बारे में क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भैया, भाभी और इस वनिष्का के बीच कुछ गलत चल रहा है। कार्तिक ये तो क्या बोल रहा है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देवर जी आपको कोई गलत फहमी हुई है, अरे आप हम लोगों पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? नहीं ये मेरी कोई गलत फहमी नहीं है। कार्तिक अब गुस्से में रात की सारी बातें बता देता है। ये सुनकर वनिष्का और रानी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कार्तिक की ऐसी बेवकूफी देख वनिष्का उसे कहती है, कार्तिक तुझे सच में एक गलत फहमी हुई है, भाभी के देवर की गलत फहमी तो कुछ अलग ही दुनिया की तरफ निकली। ऐसा बोलकर तुम अपना सच मुझसे नहीं छुपा सकती हो, समझी? कार्तिक वनिष्का अपने दोस्त मोहित को पसंद करती है और ये उसको बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इसकी मदद करी और इसकी प्रैक्टिस करवाई। भाभी मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, इसको अब भी विश्वास नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, जब मेरी शादी मोहित से हो जाएगी ना तब इसको ट्रस्ट हो जाएगा। ये क्या है वनिष्का? भैया माफ करना पर मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ और वो बहुत अच्छा भी है, एक बार आप मिल लो ना प्लीज। इस तरह वनिष्का मोहित को बुलाती है और अपने भाई से मिलवा देती है। मोहित को देखकर उसका व्यवहार देखकर रोनित को मोहित बहुत पसंद आता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। इस तरह अब कार्तिक की गलत फहमी भी दूर हो जाती है। सोनिका अपने घर में बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी अपनी सास मेघना और पति आरव के साथ बिता रही थी। उसका एक देवर भी था जिसके लिए वो लोग लड़की की तलाश कर रहे थे। इसी विषय पर बात करते हुए एक दिन सब घर वाले चाय पर चर्चा कर रहे थे कि मेघना अपनी बहू सोनिका से कहती है, बहू तू ही इसको कुछ समझा, मैं तो कह कह कर हार गई कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम उसी से इसकी शादी कर देंगे, उम्र निकली जा रही है, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे वाह देवर जी, ऐसी माँ आखिर आपको कहाँ मिल गई? देखो कोई पसंद है तो बता दो, अभी भी मौका है, अगर ये हाथ से चला गया तो हाथ मलते रह जाओगे। अरे भाभी आप भी कैसी बातें करती हो, अगर मुझे कोई पसंद होती ना तो अब तक ना मैं उसके गले में माला डाल कर ना उसे आपके सामने ला कर खड़ा कर देता, जब कोई पसंद ही नहीं है तो किसी से भी शादी थोड़ी कर लूंगा। आप सब लोग मेरे भाई के पीछे मत पड़ो, जब उसका मन होगा तब वो खुद शादी कर लेगा, ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? आप तो रहने ही दीजिए, खुद तो 35 की उम्र में शादी की है, अब चाहते हो कि भाई भी बूढ़ा होकर शादी करे। सब लोग ऐसे ही बहस करते रहते हैं और ये सब देखकर राहुल वहाँ से उठकर चला जाता है, जिसके बाद सोनिका की तबीयत बिगड़ने लगती है और जांच के बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सब सुनके पूरा घर बहुत खुश होता है। जिसके बाद एक दिन सोनिका अपनी सास मेघना के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि मुझे तीसरा महीना चल रहा है। हाँ बहू ये मैं जानती हूँ, और अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो इसलिए माँ जी मैं सोच रही थी कि अपनी बहन को यहाँ बुला लूँ कुछ महीने के लिए,
आप तो जानती हैं कि मुझसे इतना काम नहीं होता है और देवर जी देवरानी लाने से रहे और आप खुद भी सारा काम नहीं कर पाएंगी। हाँ बहू, बात तो तेरी सही है। इस उम्र में मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है जो मैं घर संभाल सकूं। तू अपनी बहन को बुला ले, वो आएगी तो तेरी मदद भी कर देगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। जिसके बाद मोनिका घर आकर घर को अच्छे से संभालती है और ना ही सोनिका को कोई काम करने देती है और इसी के साथ ना ही मेघना को। मोनिका का स्वभाव देखकर मेघना के दिल में उसे बहू बनाने की इच्छा आती है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी मेघना को पसंद करने लगा था और सबसे छुपकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। एक दिन दोनों छत पर बातें कर रहे थे कि तभी सोनिका उन्हें देख लेती है और सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, क्या बात है देवर जी, ये सब क्या चल रहा है चुप चुप के? नहीं नहीं दीदी, आपका वहम है, हम तो बस बात करने आए थे। हाँ भाभी, मौसम अच्छा था और हमने सोचा ना थोड़ी बात कर ले और ना थोड़ा टहल भी ले। आप गलत समझ रही हैं। अरे मुझे सब पता है, मैं पागल नहीं हूँ। लगता है आपको मेरी ही बहन पसंद आ गई है। क्या कहते हैं आप, देवरानी जेठानी का एक ही माई का हो जाएगा, मंजूर है? बोलो तो मैं बात चला दूं। ये सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं और सोनिका दोनों के रिश्ते की बात सबको बताती है। पूरा घर राजी हो जाता है। एक दिन उनकी पड़ोसन सोनम मेघना से मिलने आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं, तो अपनी बहू की बहन से ही अपने बेटे की शादी करवा रही है? पागल हो गई है क्या? ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। क्यों, इसमें क्या बुराई है, दोनों मिलकर खुश रहेंगी। देख मेघना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो आवाज करते हैं और ये बर्तन तो एक ही घर के होंगे, यानी देवरानी और जेठानी का एक ही मायका होगा। दोनों मायके साथ जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? और दोनों बहनों ने साथ घाट करके तुझे घर से ही बाहर निकाल दिया तो मेरी मान तोड़ दे ये रिश्ता, अभी देर नहीं हुई है। मेरी मौसी की बेटी है पलक, मैं राहुल से उसकी बात चलाती हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में तुझे सोच के बताऊंगी, मुझे थोड़ा सोचने दे। मेघना के ये बोलते ही सोनम वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मेघना चाह कर भी राहुल की खुशी देखकर ये रिश्ता तोड़ नहीं पाती और मोनिका शादी करके उस घर में आ जाती है। और एक दिन सोनम फिर से मेघना के घर आकर उसे भड़काती हुई कहती है, क्यों मेघना, तुझे मैंने कितना समझाया था लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सोनम तू ही बता कि कुछ भी मेरे बेटों की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? जब बड़ा बेटा अपनी पसंद की लड़की लाया तो क्या छोटे से मैं ये हक छीन लेती? ये कहाँ का इंसाफ होता? अरे अब जो तेरी बहू तेरे साथ करेगी उसका क्या, अब तो देख दिन में तारे। अब तो देवरानी जेठानी का एक मायका है, दोनों मिलकर मुझे नाच नचाने वाली हैं। खैर जो भी हो, कुछ भी मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। इतनी उम्र तो कट ही गई है, अब ये भी झेल ही लूंगी। कोई बात नहीं सोनम, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, भगवान तेरा भला करे, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। सोनम ये बोलकर चली जाती है और मेघना फिर उसकी बात अपने दिल पर बैठा लेती है। एक दिन वो रसोई में आकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू आज दिन के खाने में तुम मटर पनीर बना देना और रात को कड़ी, ठीक है ना? पर माँ जी, अभी के लिए तो मैंने दाल चावल बना दिए है ताकि हल्का रहे। और रात के खाने के लिए मैंने छोले भिगो दिए हैं, अगर कढ़ी बनाई तो वो खराब हो जाएंगे, आपकी कढ़ी मैं कल बना दूंगी। ये सुनकर मेघना की आंखें भर आती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू उसकी दोनों बहुएं भी देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसकी कमरे की तरफ आने लगती है। सही बोला था उस पड़ोसन ने, एक घर की दो बेटी बहू बनाकर लाने से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है, शायद मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, मेरा अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेघना की ये बात उसके पीछे कमरे में आती हुई उसकी दोनों बहुएं सुन लेती हैं और कहती है, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ आप गुमसुम सी रहती हैं, ना किसी से ज्यादा बात करती हैं और ना ही अपने कमरे से बाहर आती हैं। और अभी हम दोनों ने खुद देखा आप रो रही थी। और आपकी बात भी सुन ली हमने, क्या बोल कर गई है आपकी वो पड़ोसन सहेली आपको, बताइए हमें। कुछ नहीं कहा बहू उसने, शायद अब देवरानी जेठानी का एक ही मायका है,
तो मुझे ही ये बात समझनी होगी कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस घर को मिलकर अच्छे से संभाल सकती हो। यहाँ तो मुझे चुपचाप किसी कोने में पड़े रहना चाहिए या किसी आश्रम चले जाना चाहिए। माँ जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ये घर छोड़कर जाना चाहोगे और हम आपको जाने देंगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। माँ जी, बच्चे जितने भी जिम्मेदार हो जाए, बच्चों को बड़े की छाया तो हमेशा होनी चाहिए ना। आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपने ही हमें इस घर की बहू बनाया है और हमको इतना अच्छा परिवार मिला। आप नहीं होते तो हम सब नहीं होते। माँ जी, आपने पड़ोसन की बातें देखी और अपनी खुद की बहू का स्वभाव नहीं देखा? हम और दीदी आपको अपनी माँ जैसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। मेरी बहू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को कितना गलत समझ रही थी। मैं बस पड़ोसन के बहकावे में आ गई थी और तुम दोनों की योग्यता पर शक किया। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप माफी नहीं मांगिए, बस वादा कीजिए किसी बाहर वाले के कहने पर आप हम दोनों या किसी भी परिवार वाले को गलत नहीं समझेंगे। मैं वादा करती हूँ बहू। इस तरह मेघना का वहम उसके दिल से निकल जाता है कि देवरानी जेठानी का एक मायका होगा तो उसकी पूछ कम हो जाएगी। सोनिका और मोनिका भी अपना वादा निभाते हैं और हमेशा अपनी सास को अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।